हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC और IRFC के बारे में। सोमवार का सिनेरियो इन दोनों स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक पर्टिकुलर न्यूज़ निकल के आई है IRCTC के लिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा धमाका आपको देखने को मिला है, बहुत बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिली है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सोमवार को कितने परसेंट तक की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास IRCTC या IRFC दोनों में से भी कोई एक स्टॉक है, तो आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। यहाँ पे अगर हम फ्राइडे का सिनेरियो देखें, तो काफ़ी अच्छा देखने को रहा। करीबन 2% तक का अपसाइड मूवमेंट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें IRCTC के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट के बाद जो मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अभी तक वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और शेयर जो है वो 850 से 865 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं जो आपको खबर बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आती है और चांसेस बहुत हद तक क्रिएट कर देती है इनमें एक बड़ी तेजी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स के बारे में बात करें, तो IRCTC ने अगर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म के रिटर्न्स देखें, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स, जो कि हर एक स्टॉक में आपको देखने को नहीं मिल पाते, वो भी इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। तेजी तो आपने देख ही ली थी स्प्रेड से पहले, किस अकॉर्डिंग तेजी आई थी। 6500 तक का ये शेयर गया था 2000 के लेवल से, और अब अगर आप देखो तो स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन वहीं अगर हम यहां पे बात करें पिछले एक महीने के बारे में, तो करीबन 10% का आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहां पे एक डिसअपॉइंटिंग सी बात निकल के आती है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा कम कर दें एक वीक या एक दिन के बारे में, तो वो एक पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर यह तो रहा ओवरऑल सिनेरियो IRCTC का, कि कैसे कैसे सिनेरियो रहा है। अब हम यहां पे बात करते हैं कि कैसा सिनेरियो रहने वाला है। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट जो कि इनकी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की तरफ से निकल के आ रही है, स्क्रीन पर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अक्टूबर मंथ की देखने को मिल रही है। लेटेस्ट डेटा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, और किस अकॉर्डिंग खरीदारी की है म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव डेटा नजर आ रहा है। यहां पे आप सबसे पहले देख पा रहे हो HDFC ने अपने एक फंड के थ्रू 191% से भी ज्यादा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी यहां पे अपने होल्डिंग्स में इंक्रीमेंट करते हुए नजर आई है HDFC अपने फंड के थ्रू। वहीं आपको दूसरी AMCs भी देखने को मिल रही है, जैसे कि कैनरा रवेको, यहां भी इनकी होल्डिंग्स में 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी खासी परसेंटेज निकल के आती है। वहीं अगर आप यहां पे देखोगे निपॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड में बहुत भयंकर तेजी, मतलब बहुत भयंकर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बाकी आदित्य बिरला और एक्सिस के फंड्स के बारे में बात करें, आपको भयंकर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि किस अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो IRCTC में खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है IRCTC का, जिसमें अगर आपने बाइंग कर ली, सही प्राइस पॉइंट पे एंट्री ले ली, तो डेफिनेटली 2-3 साल के अंदर अंदर इतने ज्यादा रिटर्न्स बना के दे सकता है पर्टिकुलर स्टॉक कि आपको किसी और स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वहीं अगर मौर्य AMC के बारे में बात करें, बड़ौदा लार्ज कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग्स है। कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज भी किया है, वो आपको रेड कलर के साइन में आपको देखने को मिल रहे हैं, उतनी परसेंटेज के साथ की डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है वो इंक्रीमेंट का देखने को मिल रहा है। चाहे आप मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड्स जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देते हैं, उनमें भी देखोगे तो भयंकर खरीदारी करती हुई नजर आई है म्यूचुअल फंड्स हाउसेस इस पर्टिकुलर स्टॉक यानी कि IRCTC में। तो यहां से एक आपको आइडिया मिल रहा होगा कि जैसे ही म्यूचुअल फंड की एंट्री किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंक्रीज हो जाती है, तो वहां से जो शेयर का परफॉर्मेंस है वो एनहांस होता है।
शेयर में ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो पहले के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड ने बहुत भयंकर यहाँ पे खरीदारी करी है IRCTC में। तो ये तो निकल के आई पहली अपडेट, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट जो कि इसके बिजनेस से रिलेटेड निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल के आया है। यहाँ पे आप देखोगे कोविड सिनेरियो में कुछ ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जब आप देखो जब बहुत सारी ट्रेन बंद थी तब उस टाइम पे कुछ स्पेशल ट्रेन किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से चलाई गई थी। अब उन सारी ट्रेन को, जितनी भी स्पेशल ट्रेन थी, उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो कम होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत हद तक तो कम हो ही गए हैं, लेकिन अगर आप देखो तो कोविड का सिनेरियो पूरी हद तक तो नहीं गया, लेकिन अगर आप देखो तो नॉर्मल सिनेरियो आपको इंडिया में बनते हुए नजर आ गया है। लोग अच्छे से ट्रेवल कर रहे हैं अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ। तो यहाँ पे प्री कोविड लेवल पे आपको फेयर देखने को मिलेगा जो आपको प्री कोविड टाइम पे मिल रहा था, यानी कि कोविड से पहले जो चार्जेस आपको लग रहे थे वही अब लगेंगे, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होगा। और जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी वो आपको सारी बंद होते हुए नजर आने वाली है, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर। ये एक पॉजिटिव न्यूज इस पर्टिकुलर जगह से निकल के आती है कि आप यहाँ पे देखो कि अब रेलवे का जो बिजनेस था जो ठप हो चुका था वो अब पूरी तरीके से प्री कोविड लेवल पे आने वाला है। और यहाँ से चांसेस हैं कि IRCTC में एक बड़ा धमाका बहुत हद तक तय नजर आता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पे जो भी लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी सही प्राइस पॉइंट है जिसमें आप एंट्री ले सकते हो। और इसमें अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया तो डेफिनेटली ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स प्लस डिविडेंड बना के दे सकता है, क्योंकि आपने कुछ स्टॉक्स की हिस्ट्री देखी है कि अगर आप उनको 5 से 6 साल तक रख लेते हो तो एक तो शेयर्स आपके डबल ट्रिपल हो जाते हैं, प्लस आपका जो अमाउंट है वो भी बहुत हद तक मल्टीप्लाई हो जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो 24.25 यानी कि 24.50 पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे को। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक माइनर सी गिरावट देखने को मिली थी, कोई बड़ा यहाँ पे मूवमेंट नहीं था। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ निकल के आई है जिसमें स्पेशल ट्रेन को बंद करके सारी प्री कोविड ट्रेन जो भी थी स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जैसे जैसे रेलवे अच्छा परफॉर्म करेगा ये भी परफॉर्म करते हुए नज़र आएगा। कंपनी ऑलरेडी फाइनेंसिंग कर ही रही है, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके बहुत अच्छी खासी फाइनेंसिंग चल रही है। Q2 नंबर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं, डिविडेंड भी इसने प्रोवाइड कराया है, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट एक्स डेट और बैंक अकाउंट में कब आएगा डिविडेंड उसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई हुई है IRFC पर, वो जाके आप देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, ये कुछ सिनेरियो नजर आ रहा था दोनों ही स्टॉक का काफी ज्यादा पॉजिटिव नेक्स्ट वीक से, तो ये कुछ सिनेरियो हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, वीडियो को केवल नॉलेज के पर्पज से ही देखें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।